उधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के हंगामे के बाद विश्वविद्यालय को 2 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। सुषमा स्वराज ने 10 मिनट तक आतंकवाद पर बात की और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। यूएन में सुषमा स्वराज ने कहा भारत ने आईआईटी जैसे संस्थान। तनाव को देखते हुए बीएचयू को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस और गेट पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र छात्राओं के प्रदर्शन को बीएचयू को बदनाम करने की साजिश बताया है। बीएचयू में छात्रा से छेड़खानी के विरोध में पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। बीती रात वीसी के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। लाठीचार्ज से नाराज छात्रों ने जमकर आगजनी की। बीएचयू के वीसी ने हंगामे को बाहरी लोगों की साजिश बताया है। कुछ ऐसे तत्व जो इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विजन, अप्रोच और ऑब्जेक्टिव से इत्तेफाक नहीं रखते, उन लोगों ने इसके माहौल को खराब करने का लगातार प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में जो है हमारा बल था जी, उनको भी किया गया, उनको बस अंदर किया गया, आश्रम से अंदर। छात्राओं पे मशीन का मुंह सामने ही है, बल्कि सीआई इनका पत्थर चला रहे हैं। बीएचयू में जारी तनाव को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लाठीचार्ज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बीजेपी वर्जन करार दिया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है। महिला संगठनों ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बढ़ी है, जिस तरह महिलाएं असुरक्षित प्रदेश में हैं, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। अगर महिलाओं को 2 दर्जे का रखा गया, उनको अब भी आज़ादी नहीं मिली, तो देश को कब आज़ादी मिलेगी? अपनी आवाज़ उठाने पर अगर लाठीचार्ज होगा, इस तरह मारा जाएगा, तो मैं कहूँगा इसे इमरजेंसी क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में सरकार घोषित कर देती मेजॉरिटी के आधार पर। ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। लोकतंत्र में अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते और हमारा जो भी वहाँ का जनप्रतिनिधि है वो हमारी बात नहीं सुनता है, तो वो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि बनारस, जिसकी एक बहुत क्रांतिकारी परंपरा है, बीएचयू की भी वो परंपरा है, वो सब लोग उठ खड़े होंगे और इसका डटकर मुकाबला करेंगे, उस उत्पीड़न का। मैं समझता हूँ कि ये गलत है। देश के नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। अगर उनका कोई ग्रीवांसेस है तो उसको उसका समाधान होना चाहिए, ना कि पुलिस के जरिए उनके ऊपर अत्याचार। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर बातचीत से हल निकालने की नसीहत दी है। 22 सितंबर को बीएचयू में आईसा से जुड़ी कुछ छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। छुट्टियों की घोषणा के बाद बीएचयू के सभी हॉस्टल्स को खाली करा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। उरी में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि इलाके में अब भी एक आतंकी के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों ने इससे पहले बारामूला के सोपोर में भारतीय स्टेट बैंक की एक ब्रांच के पास ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। वारदात के बाद सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान के दौरान 2 आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। The Uri encounter, right now I've been busy here for the last hour plus, you know that. In the morning today the encounter taken place and I will get the latest update of it after a short while. जिस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई अब की बार भारत की ओर से हो रही है, ऐसी कई वर्षों में कई दशकों को देखने के नहीं मिली। भले ही वो सीमा के पार है, भले ही वो सीमा के भीतर है, भले ही वो आतंकवादियों के प्रति है, भले ही वो देश के भीतर अलगाववाद का समर्थन करने वालों के प्रति है, और निश्चय ही इससे आम आदमी का मनोबल बढ़ा है। खबरों के मुताबिक ये आतंकवादी आत्मघाती दस्ते का हिस्सा थे और बताया जा रहा है कि सभी विदेशी आतंकी हैं, जो पिछले साल हुए उरी हमले जैसी वारदात करने के फिराक में थे। पुलिस को और आर्मी को जानकारी मिल गई, तो आर्मी पुलिस और सीआरपी ने मिलकर वहाँ वो स्टार्ट किया है कार्डन एंड सर्च। उसमें अभी तक एक मिलिटेंट मारा गया, बाकी 2 के साथ एंगेजमेंट चल रही है, बहुत जल्दी उनको भी न्यूट्रलाइज करेंगे। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमला हुआ।
आतंकियों ने भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हमला किया। आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हुए, सभी 4 आतंकी मारे गए। उरी हमले में मारे गए सभी हमलावर जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे। सभी आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने पीओके में प्रशिक्षण दिया था। पिछले रविवार को भी शोपिया में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया था, जबकि एक आतंकी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। उधर विश्व के सबसे बड़े मंच से कल भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। सुषमा के भाषण की पीएम समेत कई नेताओं और विशेषज्ञों ने तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने 22 मिनट के भाषण में सुषमा स्वराज ने 10 मिनट तक आतंकवाद पर बात की और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। यूएन में सुषमा स्वराज ने कहा, भारत ने आईआईटी जैसे संस्थान बनाए तो पाकिस्तान ने आतंक को जन्म दिया। भारत ने स्कॉलर्स और साइंटिस्ट पैदा किए, लेकिन पाकिस्तान ने लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन बनाए। सभापति जी, हमने आईआईटीज बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने आईएम्स बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर ए तैयबा बनाया, आपने जैश ए मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। भाषण के फौरन बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर सुषमा को शानदार भाषण के लिए बधाई दी। देश के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भी दुनिया के सबसे बड़े मंच से सुषमा ने देश का मान बढ़ाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुषमा स्वराज के बयान पर चुटकी ली और कांग्रेस की उपलब्धियों का जिक्र करने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि दूसरे नेताओं ने सुषमा के बयान की तारीफ की। फॉरेन मिनिस्टर को जो बोलना चाहिए था वो उन्होंने बोला है, और उन्होंने पाकिस्तान को सही तौर पर आईना दिखाया है कि जहां भारत और पाकिस्तान एक साथ बने थे, वहां आज भारत तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो एक टेरर इंडस्ट्री में बदल गया। सुषमा जी ने दुनिया को समझाने की कोशिश इस संदर्भ में की कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के जमीन के और भारत की शांति और सौहार्द के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी हिस्से में पकड़ा जाने वाला हर आतंकवादी का सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री से है। सुषमा स्वराज से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने यूएन को संबोधित किया था। पाक पीएम ने अपने भाषण में भारत पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। सुषमा से पहले यूएन में भारत के प्रथम सचिव ने पाकिस्तान के पीएम के आरोपों का जवाब दिया। इनम गंभीर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान करार देते हुए पाक पर लगातार आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बिना नाम लिए चीन को भी आतंकवाद का समर्थन करने का आरोपी करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 36वीं बार देश की जनता से की मन की बात। स्वच्छता अभियान में तेजी लाने की अपील की। पीएम के मन की बात का आज तीसरा साल पूरा हो गया। अपने 36वें एपिसोड में आज पीएम मोदी ने स्वच्छता और खादी के साथ पर्यटन की बात की। पीएम ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर खादी के कपड़े खरीदकर गरीबों की मदद की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ देश का हर शख्स स्वच्छता मुहिम से जुड़ चुका है और अब पब्लिक प्लेस पर गंदगी नहीं फैलाने का लोगों पर दबाव बढ़ा है। भारत को अपने भीतर आत्मसात कीजिए, कोटि कोटि जनों की विविधताओं को भीतर आत्मसात कीजिए। इन अनुभवों से आपका जीवन समृद्ध हो जाएगा। 2 अक्टूबर से खादी में डिस्काउंट दिया जाता है, काफी छूट रियायत मिलती है। मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा, खादी का जो अभियान चला है उसको हम और आगे चलाएं और बढ़ाएं। खादी खरीद करके गरीब के घर में दिवाली का दिया जलाएं। और हमने तय किया था कि गांधी जयंती से पहले 15 दिन
देश भर में स्वच्छता का उत्सव मनाएंगे, स्वच्छता से जन मन को जोड़ेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इस कार्य का आरंभ किया और देश जुड़ गया। बीजेपी ने जहां मन की बात की प्रशंसा की तो वहीं विपक्षियों ने एक बार फिर पीएम के मन की बात पर निशाना साधा और कहा कि ये जनता नहीं सिर्फ पीएम के मन की बात है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने लोगों से देश में घूमने और समझने की अपील की और कहा कि विदेश से पहले अपने देश को जाने। ऐसी बात प्रधानमंत्री ने कही जो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि उसमें देशवासियों की जो भावना है वो तो कहीं आई नहीं रही है। आज देशवासियों में आक्रोश है, आज देशवासियों में दर्द है, आज देशवासियों में जो हालत इस देश की हो रही है उसके बारे में कराह है, वो कहाँ आई है मन की बात में? प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि बजाय ये कि वो अपने मन की बात बार बार निकालते रहें, हर महीने 36 बार आप कर चुके हैं, बहुत हो गया। अब अगले 24 जो हैं वो बेहतर ये होगा कि देश के लोगों की आप मन की बात सुने और उन पर काम करने की कोशिश करें, इसलिए कि ज़मीन पर जो सच्चाई है वो आपके बताए हुए ख्वाबों से बहुत बहुत परे है, बहुत दूर है। प्रधानमंत्री देश के पूरा देश की सरकार को चलाने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं और जब वो स्वयं बोल रहे हैं तो उसका मतलब कि वो एक पॉलिसी है, वो एक सोच है देश की और हमें उस पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद करते हैं। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। आज 36वीं बार रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। लोग कार्यक्रम के लिए अपने सवाल और सुझाव भेजते हैं जिन्हें पीएम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पीएम के आज के मन की बात में जी न्यूज डीएनए के स्वच्छता अभियान को भी जगह मिली। पीएम ने स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धन्यवाद दिया। पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए गैंगरेप मामले के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। गैंगरेप के 16 दिन बाद तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने वाली पुलिस ने मुजफ्फरनगर गैंगरेप के दूसरे आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया है। जी न्यूज पर मुद्दा उठाने के बाद पुलिस ने 2 दिन पहले आरोपी सलीम को गिरफ्तार किया था। हालांकि मामले से जुड़े 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। फरार आरोपियों के नाम अकरम और अय्यूब हैं। इससे पहले पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लग रहा था। जी न्यूज पीड़ित परिवार के पास पहुंचा और पीड़ित नाबालिग को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी आवाज बना। कान पटे पे मेरे तमंचा लगाया और मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। उसके बाद इन्होंने मेरे अंकों पर पट्टी बांधी, फिर मुझे नहीं पता ये आ गया था जगह पर। मुझे इन्होंने 10 दिन के लिए रखा जहाँ इन्होंने मेरे साथ में बलात्कार किया और मुझे मास्क खिलाते रहे जिससे मुझे उल्टियाँ लगती रही और धर्म परिवर्तन के लिए बोलते रहे कि इस्लाम कबूल कर ले, हमको तुमसे शादी करनी है। मैं मना करती रही, मेरे इनकार करने पर इन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया। 6 सितंबर को आरोपियों ने नाबालिग को अगवा किया और 16 सितंबर तक उसका गैंगरेप किया गया। पीड़ित का दावा है कि आरोपियों ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और उसे जबरन मांस खिलाने की भी कोशिश की। तबीयत बिगड़ने के बाद आरोपी पीड़ित को गांव के पास छोड़कर फरार हो गए और भागने से पहले जान से मारने की धमकी भी दी। 18 सितंबर को दर्ज FIR में पुलिस ने मांस खिलाने की बात लिखी, लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने ट्वीट कर मांस नहीं खिलाने का दावा किया। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने रेप के सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। तो जी न्यूज ने इंडिया का सबसे बड़ा पोल शुरू किया है, हमने इसे नाम दिया है पोल इंडिया का। हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं और आपकी राय जानना चाह रहे हैं। हमारा सवाल ये है, क्या आप आजकल परिवार के साथ न्यूज चैनल देखने में असहज महसूस कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ZN लिखिए, स्पेस देकर लिखिए Y। अगर आपका जवाब ना है तो ZN लिख करके स्पेस दीजिए और N लिखिए। इसे भेज दीजिए 57575 पर।